हाय फ्रेंड, कल रात एक ऐसी न्यूज़ सामने आई जिसके बाद ब्रॉक लेसनर को काफ़ी ज़्यादा हेट या यूं कहूँ बैकलैश मिलने लगा है। अब ऐसा क्या हो गया है जो फैंस ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट बोलने लगे, उसके बारे में ही बात करेंगे आज के इस वीडियो में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब कुछ टाइम पहले विंस मैकमैन पे काफ़ी सारे एलिगेशन लगे थे जो कि सेक्सुअल एलिगेशन थे, जिसकी वजह से उन्होंने उस टाइम अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया था। उस टाइम हमने बात भी करी थी इसके बारे में। अब विंस मैकमैन पे आरोप ये था कि फीमेल टैलेंट को सेक्सुअली असॉल्ट करते थे। अब एक वुमेन सामने आई और उसने विंस मैकमैन के खिलाफ काफ़ी कुछ फाइल कर दिया, लॉसूट फाइल कर दिया। उस वुमेन का नाम सामने आया जो कि है जनरल ग्रांट। ग्रांट ने कहा कि विंस मैकमैन ने उनका बहुत ही गलत तरीके से फ़ायदा उठाया, यूज़ करा। उन्होंने ये भी बताया कि विंस मैकमैन ने उनको करियर में काफ़ी ऊंचा उठाने का वादा करा था, मतलब कि एक तरह से विंस मैकमैन ने लालच दिया था। अब हम सबको पता है कि विंस मैकमैन ने जब पोस्ट से रिज़ाइन करा, उससे पहले विंस मैकमैन का ही बोलबाला WWE में चलता था, उनके बिना परमिशन के कुछ होता ही नहीं था। ग्रांट ने बताया कि उन्होंने एक NDA साइन करा, मतलब कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करा था। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, तो ये दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट सा साइन होता है जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है। दोनों की जिम्मेदारी रहती है कि चीज़ों को बाहर लीक ना करा जाए। यही कुछ विंस मैकमैन और ग्रांट के बीच हुआ था, जिसके लिए विंस मैकमैन ने ग्रांट को $3 मिलियन पे करे थे। अब ग्रांट कहती हैं कि विंस मैकमैन ने मुझे सेक्सुअल यूज के लिए रखा था। WWE ऑफिसेज में प्राइवेट रूम में मुझे बंद करके रखा जाता था। वहां कुछ लोग, यानी कि विंस मैकमैन के कुछ खास लोग या WWE के वर्कर जो विंस के खास हैं, वो आते थे और काफी कुछ उस कमरे में मेरे साथ गलत करते थे। अब गलत करते थे का मतलब आप सब समझ ही गए होंगे। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि विंस मैकमैन का जो पर्सनल असिस्टेंट था, वो एक दिन उस रूम में आया और $15,000 के गिफ्ट कार्ड भी मुझे दिए। वहीं ग्रांट को विंस मैकमैन उस रूम में काफी प्रताड़ित करते थे, काफी गलत चीजें उस रूम में ग्रांट के साथ हो रही थी। अब इन सब चीजों में ब्रॉक लेसनर का नाम भी सामने आया है। अब डायरेक्ट तो ब्रॉक लेसनर का नाम नहीं आया है, बट कुछ ऐसा कहा गया है जिसके बाद माना जा रहा है कि वो ब्रॉक लेसनर ही हैं। ग्रांट कहती हैं कि जुलाई 2021 में विंस मैकमैन ने उन्हें मैसेज करा और कहा कि अपनी कुछ आपत्तिजनक वीडियो, यानी नेकेड वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज दो, मैं WWE सुपरस्टार को भेजूंगा जिसे मुझे रिसाइन करना है, जो कि UFC और WWE दोनों में काम कर चुका है। उसको मैं वीडियो दिखाऊंगा ताकि वो खुश हो और रिसाइन कर ले WWE के साथ। विंस मैकमैन के कहने पे ये वीडियो बना के भेज भी देती हैं। विंस मैकमैन उस सुपरस्टार को भेजते भी हैं और वो सुपरस्टार खुश हो जाता है। अब ये सुपरस्टार के तौर पर नाम जो सामने आ रहा है वो ब्रॉक लेसनर का है, क्योंकि वो UFC और WWE दोनों में काम कर चुके हैं। रीजन साफ है, ब्रॉक लेसनर UFC और WWE दोनों में कॉम्पीट कर चुके हैं। साल 2021 में उनका कॉन्ट्रैक्ट लगभग WWE के साथ एंड भी होने वाला था। उस टाइम वो दिखाई भी नहीं दे रहे थे, तो इस तरह के रूमर्स थे कि शायद वो छोड़ेंगे WWE या नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से ब्रॉक लेसनर को हेट मिल रही है। लोग बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर भी ऐसा कर सकते हैं। कम बोलते हैं, कम दिखते हैं, पब्लिक में भी कम उनका दिखना होता है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। वहीं आपको ये भी बता दूं कि ग्रांट ने कहा है कि मैंने ऐसा एक बार नहीं, विंस मैकमैन के कहने पे कई बार अपनी वीडियो शेयर करी हैं WWE सुपरस्टार के साथ, यानी कि इसमें और भी नाम अभी सामने आ सकते हैं। वहीं कुछ लोग वीडियोज़ देख के इनके साथ रिलेशन भी बनाने में इंटरेस्टेड थे, जिसमें से एक ब्रॉक लेसनर का नाम भी है। अभी देखिए, ये एलिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन होगी, कुछ होगा तब ब्रॉक लेसनर गिल्टी प्रूव होंगे। तो जल्दबाजी में जजमेंटल मत बनना, अगर उन पे ये आरोप प्रूव होते हैं तो ब्रॉक लेसनर की फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वहीं आपको ये भी बता दूं कि विंस मैकमैन ने 2019 से 2022 तक ग्रांट को काफ़ी महंगे महंगे गिफ्ट भी इसके बदले दिए थे, जिसमें शायद BMW कार तक शामिल है और भी काफ़ी वाउचर, पता नहीं क्या क्या है। अब रॉयल रंबल है और ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के चांसेस यहाँ थे, बट अब कहा जा रहा है कि इन सब की वजह से हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर हमें रॉयल रंबल में ना देखने को मिलें। वहीं एक बात समझ मुझे ये नहीं आ रही, विंस मैकमैन ने जब ग्रांट से NDA साइन कराया था, तब उनको नहीं पता था कि उसमें वो क्या साइन कर रही हैं, किस चीज़ के लिए विंस मैकमैन उनके साथ NDA साइन कर रहे हैं। चलो मान भी लेते हैं कि ग्रांट को नहीं पता था, जब विंस मैकमैन ने ये सब गलत काम करने को कहा, अपनी आपत्तिजनक वीडियो बना के WWE सुपरस्टार को भेजने को कहा, रूम वगैरह में जो कुछ होता था उन्हें उस टाइम ही विरोध करना चाहिए था, उनके बदले वो काफ़ी महंगे महंगे गिफ्ट भी लेती रहीं। 2019 से 2022 तक क्यों कुछ नहीं करा, उसके बाद अब ये सब हो रहा है। देखते हैं आगे चल के इस केस में क्या होता है। ब्रॉक लेसनर इसमें शामिल है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, ब्रॉक लेसनर के लिए एक तरह से शॉकिंग है। अब ब्रॉक लेसनर इस पर कुछ कहेंगे या नहीं, ये तो खैर आने वाला टाइम बताएगा। उम्मीद हो कि ब्रॉक लेसनर इसमें शामिल ना हो, वो गिल्टी प्रूव ना हो।